माता जी, दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। पूरा चित बीचों बीच हृदय में परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में निहारते हुए श्रीमाता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। श्रीमाता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं, कृपा करके हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा अपने सेंटर हार्ट पे करेंगे 7 times क्लॉकवाइज। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में अपने श्री चरणों की पूजा होने दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, शमात जी हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार पे श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आप निश्चित ही राक्षस हंत्री हैं, हमारे अंदर के समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट कीजिए।
श्री माता जी, आप भी राक्षस सगनी भी हैं। हमारे दाहिने मूलाधार के समस्त विकारों को नष्ट कीजिए। अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार पे ही श्री माता जी, कृपा करके हमें श्री गणेश जी के जैसा ही विवेक और बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री कार्तिकेय मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकार्तिकेय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार पे पूरी तरीके से स्थिर करेंगे। श्री माता जी, हमारे दाहिने मूलाधार में जो श्री गणेश जी का आपके प्रति पूर्ण समर्पण है, कृपा करके हमारे अंदर भी पूर्ण समर्पण दीजिए। राक्षसांत्री, ओम त्वमेव साक्षात राक्षस हंत्री साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षस सदनी, ओम त्वमेव साक्षात राक्षस सदनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार से उठाते हुए लेफ्ट स्वाधिष्ठान, श्री माता जी कृपा करके हमारी समस्त इच्छाओं को शोध इच्छा में बदल दीजिए। पूरा चित्त लेफ्ट स्वाधिष्ठान, श्री माता जी कृपा करके हमारी समस्त इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए। लेफ्ट स्वाधिष्ठान से लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हृदय, लेफ्ट विशुद्धि, इसी तरीके से फिर से नीचे आएंगे। लेफ्ट विशुद्धि से लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट स्वाधिष्ठान, श्री महाकाली भैरव मंत्र नीचे से ऊपर जाते हुए, ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली भैरव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सिर के तालु भाग पर माँ की अमृत वाणी सुनेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य के बारे में ये जान लेना चाहिए कि जो सत्य है वो अनादि है, उसे हम मानव बदल नहीं सकते, उसकी चालना नहीं कर सकते और उसको अपने जैसा नहीं बना सकते। उसे हम इस मानव चेतना में नहीं जान सकते। उसके लिए एक सूक्ष्म चेतना चाहिए
जिसे कि हम आत्मिक चेतना कहते हैं, और उसी चेतना के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते हैं। आपके सामने आज मैं जो प्रस्ताव रखने वाली हूँ उसे आप एक खुले दिमाग से सुन, जैसा कि एक शास्त्रीय साइंटिस्ट इंसान सुनता है और जानना चाहता है, उसी प्रकार आप भी अपना दिमाग खुला रखें और बाद में जो मैंने आपके सामने धारणा या हाइपोथेसिस रख दिया है वो अगर सत्य हो और सत्य प्रमाणित हुई तो उसे अपनी ईमानदारी में आपको मान लेना चाहिए। एक तो महान सत्य यह है कि यह सृष्टि की चालना एक सूक्ष्म शक्ति कर रही है। इस सूक्ष्म शक्ति को परम चैतन्य कहते हैं। ये विश्वव्यापी है और हर अणु रेणु में भी कार्यान्वित है। हमारे भी जो कुछ भी स्वयंचालित ऑटोनॉमस संस्था के जो कुछ भी कार्य होते हैं वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा। ये जो आज आपके सामने पेड़ खड़े हुए हैं, जो भी जीवित कार्य हो रहा है वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन हम अभी उस तल में नहीं, उस स्थिति में नहीं है कि उस परम चैतन्य को अपने अंदर महसूस करें, उसे जानें। दूसरा सत्य अपने बारे में यह है कि हम ये शरीर बुद्धि अहंकार और भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु हम आत्मा हैं। और ये बात भी सिद्ध हो सकती है कि हम आत्मा हैं। तीसरी बात एक महान सत्य है कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे शिक्रम अंग्रेजी में कहते हैं, स्थित है। और ये शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारा संबंध उस परम चैतन्य से प्रस्थापित करती है। उतना ही नहीं कि तू इसी से हमें आत्मदर्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे अंदर एक नया तरह का आयाम डायमेंशन तैयार हो जाता है, जो हमारे नस नसों में जाना जाता है। जो चीज नस नस में जानी जाती है वही ज्ञान है। बुद्धि से जानी हुई चीज ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको पहले उस सूक्ष्म सृष्टि की पहचान होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप स्वयं जान लेंगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी प्रभावशाली है और इसका कार्य कितना सुंदर और अनुपम है। कुंडलिनी के जागरण के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी और बहुत कुछ गलत सलत लोगों ने आधुनिक काल में, पुरातन काल में कुंडलिनी के विषय में किसी ने भी ऐसी बातें नहीं की कि कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को कोई तकलीफ होती है। लेकिन आजकल के आधुनिक काल में लोगों ने जिसके जो समझ में आया वो लिख दिया। वास्तविक कुंडलिनी आपकी स्वयं आपकी एक आपकी व्यष्टि की आपकी व्यक्ति की व्यक्ति रूप आपकी माँ, आपकी कुंडलिनी आप ही की है और वो आपकी माँ है जो आपको ये पुनर्जन्म देती है। जिस तरह से कोई टेप रिकॉर्ड में सब कुछ हम लोग टेप कर सकते हैं, उसी तरह से इस कुंडलिनी ने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर जान लिया है। इसके अंदर सब निहित है, उसको पूरी जानकारी है। और क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई है इसलिए इसे कुंडल कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं। ये कुंडलिनी
एक शक्ति है जो शुद्ध इच्छा की शक्ति। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो अशुद्ध है। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा भारी सार है कि कोई सी भी इच्छा पूर्णतया पूर्ण हो जाने पर भी मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सर्वसाधारण इच्छाएं तृप्त होती नहीं। जैसे आज एक हमने चाहा कि हम एक कैमरा खरीदें, कल चाहेंगे कि एक हारमोनियम खरीदें, परसों चाहेंगे कि हम एक घर बना लें और फिर उसके बाद मोटर खरीद लें। इस तरह से हमारी इच्छाएं एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी होती जाएंगी और जिस चीज की हमने इच्छा की थी उसका आनंद ही नहीं आएगा, वो इच्छा एकदम से ही समझ लीजिए कि खत्म हो जाए और फिर एकदम दूसरी इच्छा आए। इसलिए उम्र में ये हमारे अंदर शुद्ध इच्छा की ही शक्ति है। और ये शक्ति जब ये शक्ति ऊपर की ओर होती है तो छह चक्रों में गुजरती हुई छठे चक्र को, जो कि वास्तविक में सातवां चक्र है, क्योंकि पहले चक्र में तो कुंडलिनी जाती नहीं क्योंकि ये चक्र कुंडलिनी से नीचे है। इसे छह चक्रों से उठती हुई वो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र को, जो कि हमारे बचपन में तालू के जैसा था, जैसे कि आपने स्निग्ध यहाँ पर हड्डी थी, उस जगह जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्टिनें बोन एरिया कहते हैं, उसके थ्रू उसके अंदर से ये इस तरह से बाहर निकल आती है कि जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन। तब ये सूक्ष्म चीज आपको उस चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता देती है। जैसे कि समझ लीजिए कि ये आज हमारे सामने माइक है, लेकिन अगर इसको हमने मेंस के साथ नहीं जोड़ा तो ये बिल्कुल बेकार है। इसी प्रकार मनुष्य भी उस परम शक्ति को प्राप्त किए बगैर सत्य को नहीं जान सकता। वो केवल सत्य को नहीं जान सकता, कोई सोचता है ये सत्य है, कोई सोचता है वो सत्य है, कोई सोचता है इसकी बात सत्य है, किंतु अगर सत्य है तो केवल एक स्वयं होना चाहिए, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। और अगर मतभेद है इसका मतलब है वो सत्य नहीं है, वो सत्य के अनेक पहलू है जो अलग अलग ढंग से देखे जाते हैं। जैसे अंधे लोगों का किस्सा है जो हाथी को देखने गए थे और उन्होंने अलग अलग अपनी धारणाएं बना ली। और इसीलिए कबीर दास ने कहा है कैसे समझ आऊं सब जगह अंधा। मतलब यह है कि जब तक आपके अंदर आत्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक आपके चित्त में आत्मा नहीं आते हैं, तब तक आपके अंदर आत्म प्रकाश नहीं आता और आप अंधेरे में ही टटोलते रहते। इस वजह से ही हमारे सारे समाज में जो अनेक त्रुटियां हैं, अनेक संदेह हैं, अनेक भ्रांति हैं, वो इस वजह से है कि ये सारी जो कुछ भी समाज की धारणाएं बनाई है ये मनुष्य ने बनाई है, जो अनेक अवतरण अपने देश में हुए, बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि हो गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बड़े वही लोग हो गए जिन्हें कहते हैं कि सूफी लोग हो गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि तीर्थंकर आदि बहुत ऊंचे किस्म के यहाँ पर लोग इस देश में हुए, लेकिन उनकी बात किसी ने समझी नहीं। उसकी वजह यह थी कि वो लोग एक स्तर पे बात करते थे और बाकी के लोग दूसरे ही स्तर पे थे, वो उनकी बात समझ नहीं पाते। इसलिए आवश्यक हमारे लिए है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें जहाँ हम इन लोगों को समझ सकते हैं और इन लोगों के जैसे बने। इन लोगों के लिए जैसे बनने का मतलब यह है कि धर्म की धारणा हमारे अंदर होती है। किसी भी संत साधुओं को ये नहीं बताना पड़ता था कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप किसी भी धर्म में विश्वास करें, नितांत विश्वास करें और माने कि यही धर्म सबसे अच्छा है, ऐसा ही सोच रहे और दूसरों से झगड़े इस बात को लेकर, किंतु क्या आप ये कह सकते हैं कि जो एक धर्म को पालन करता है वो कोई भी पाप नहीं कर सकता? क्या उस पाप से वो वंचित है? कोई कोई गलती नहीं करेगा?
ऐसा आप कह नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि धर्म की भावना जो है वो सिर्फ आपकी दिमागी जमा खर्च, उसका आपके अंदर प्रवेश नहीं हुआ, वो आपके अंदर उसकी धारणा नहीं। और जो सत्य के जानने वाले हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारे हित के लिए यही है कि हम धर्म की धारणा अपने अंदर करें, किंतु ये करते वक्त एक सहज सरल तरीके से ही कुंडलिनी उठती है, क्योंकि ये एक जीवंत प्रक्रिया है। कोई सी भी जीवंत प्रक्रिया सहज हो, जैसे इस पृथ्वी में अगर आप एक बीज छोड़ दें तो वो सहज में ही पनप जाता है, उसमें सहज में ही अंकुर आ जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रिया भी बिल्कुल सहज है और हर मनुष्य में ये कुंडलिनी बैठी हुई है, उसकी माँ उस इंतजार में, उस प्रतिष्ठा में बैठी हुई है कि उस वक्त जबकि मेरा बेटा ये चीज चाहेगा तब मैं, क्योंकि वह स्वयं प्रतिष्ठित है और वो नहीं चाहती किसी जबरदस्ती से, किसी और कारणों से वो आपके आपके ऊपर कोई आक्रामक तरीके से आपको पुनर्जन्म दे। आपकी स्वतंत्रता को ही देखकर जब आप अपनी स्वतंत्रता में ही कुंडलिनी का जागरण मांगेंगे तभी वो जागरूक हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी, और कोई भी इस मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन सर्वप्रथम कुंडलिनी जागरण से जो विशेष रूप से लिखा गया है कि आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाए, इसका कारण ये है कि आपके जो चक्र है, ये जो सूक्ष्म चक्र है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में भी है, आपके मस्तिष्क में भी है, ये पूरे प्लावित हो जाते। इन्हीं चक्रों के शक्ति के द्वारा हम जीवित हैं और उसी से हमारा सारा व्यवहार चल रहा है, किंतु जब हम इस शक्ति को अनायास बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब ये चक्र क्षीण हो जाते हैं, इनकी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं, इस तरह से हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं। शारीरिक बीमारियों के लिए जब कुंडलिनी जागरण होता है तो मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि हठात एक रात में ही लोग किस प्रकार बहुत सारी विभेद बीमारियां जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती, इनका निवारण नहीं हो सकता, इनको सर्टिफिकेट हो गया कि एक महीने में आप मर जाएंगे, वो एकदम ठीक हो जाते, क्योंकि ये हमारे भारत का धरोहर, हमारा हेरिटेज, ये हमारी चीज, और इसके लिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए सारे ऋषि मुनियों को जिन्होंने सहजयोग ढूंढ लिया। सहजयोग आज तक एक एक मनुष्य के लिए ही होता है, जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा कि जनक राजा के पास एक नचिकेता गया था जिसे उन्होंने आपको साक्षात्कार दिया, किंतु आज ऐसा समय आ गया है कि सहजयोग की ये स्थिति आ गई है कि आपको सामूहिक तरीके से जागृति हो सके। अभी जैसा बताया गया दिल्ली में इतने हजारों लोग आए थे कि दृष्टि जहाँ तक पहुंची थी लोग ही लोग थे, और न जाने उसमें से कम 95% लोगों को जागरूक, अब उसमें से कितने लोग जमते हैं यह दूसरी बात, लेकिन जागृति हो इसमें कोई शक, और इस तरह की जागृति होने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांसारिक भी हर तरह की कथाएं दूर हो जाती, इतना ही नहीं लक्ष्मी का भी आप पर बहुत सारा आशीर्वाद आता है। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी थी कि लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है, लेकिन उसका साक्षात हुआ नहीं, इसलिए हम लोगों का विश्वास ही उठ गया था, सोचते थे ये सब कैसे हो सकता, ये सब सही बातें हैं, कुछ झूठ नहीं, उसको सिद्ध करने का आज समय आ गया है, परमात्मा है कि नहीं इसे भी सिद्ध करने का आज समय आ गया। आपको सुनकर खुशी होगी सहयोग से अभी इस वक्त हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो पर्थ में दो एड्स के तक बीमार ठीक हो, दो डॉक्टरों को दिल्ली में MD की पदवी मिली है सहयोग, उन्होंने दो विषयों में ही किया था, पर इससे अनेक विषयों में हम देख सकते हैं इससे कार्य हो सकते। अपना देश इतना गरीब है, अपने देश में इतनी व्यथाएं हैं, इन लोगों के पास पैसा नहीं कि वो अपनी बीमारियां ठीक करें, डॉक्टरों के बिल भरें, ऐसे लोगों के लिए सहयोग बहुत उपयुक्त है। जो रईस लोग हैं उनको आप डॉक्टरों के लिए छोड़ दीजिए, ये तो डॉक्टर लोग मुझे मारने को दौड़े लेकिन जो इतने लोग हैं संसार में उसमें से इस भारतवर्ष में कितने लोग दुखी हैं, उनके विचार से सहयोग का फैलाना बहुत जरूरी है।
इतना ही नहीं, इससे आपके खेती एग्रीकल्चर पे, आपके पशुपालन पे, सब पे बहुत असर आता है। और एकदम से देखा गया है, जितना उसपे लोगों ने प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, कि ये सब चीजें द्विगुणित ही नहीं होती, कभी कभी 10 गुना चीजें इस तरह से देखी गई कि गेहूं गेहूं बनाया गया तो गेहूं 10 गुना, चावल 10 गुना, इस तरह से आपकी खेती और आपके यहाँ के पशु भी ठीक हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में इसका कार्य हो सकता है। सबसे तो बड़ी चीज यह है कि सहयोग से आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। लोग बहुत शांति की बात करते हैं, शांति के बड़े बड़े प्रतिष्ठान बने हुए हैं, लेकिन मैं देखती हूँ जिन लोगों की शांति का नोबेल प्राइज भी मिला, इतने इतनी उनकी स्वभाव में अशांति होती है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है, न जाने क्यों। जिनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर किस तरह से शांति प्रस्थापित करे। इसलिए अंदर की शांति प्रस्थापित होती है। दूसरा, आपके अंदर साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है। जैसे आप हर एक चीज को देखते ही रहते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, मतलब आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो जाती है, जो कि आप जानते होंगे हठ योग में पातंजल ने बताई हुई है। और उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्प समाधि, समाधि माने अवेयरनेस, चेतना आपके अंदर आ जाती है। उसके बाद एक जो बहुत बड़ी बात इसमें देखी जाती है कि आपके नस नस में एक नया आयाम, इसे सामूहिक चेतना कहते हैं, वो जागृत हो जाती है, जिसके अनुसंधान से आप जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को कौन सी शिकायत है, दूसरों को कौन सी शिकायत है और आपको कौन सी शिकायत है, आप में कौन सी तकलीफ है, दूसरों में कौन सी तकलीफ है, दूसरों में कौन सी त्रुटियां है और आप में कौन सी त्रुटियां है, और उसको ठीक करने का अगर आप सीखे, उसका तरीका, उसकी क्रिया आप अगर सीखे, तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और अपनी भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप पैसा आदि कुछ नहीं दे सकते। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान भगवान के नाम पर पैसा लेता है तो वो आपका गुरु हो नहीं सकता, वो आपका नौकर। किसी को भी इस तरह से पैसे देना बहुत गलत है। परमात्मा को तो पैसा समझता ही नहीं, उनको क्या बैंक वैंक समझता है क्या, वो पैसा क्यों ले। और जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, ऐसे मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा कि कहते हम दिखित है, हम दिखित है, और सबकी हालत खराब, सब बीमार, इतनी हालत खराब, किसको हार्ट अटैक है, किसको पैरालिसिस है, और कहते हम दिखित है। तो मैंने कहा कि मैं एक माँ और माँ के रिश्ते में मैं ये कहूँ कि आपके गुरु ने आपकी तबीयत तक ठीक नहीं रखी, तो ऐसे गुरुओं को रखे क्या फायदा, ऐसे गुरुओं का आचार डालना, उनको आप पैसा देते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, उनके दर्शन करते हैं, क्या फायदा। गुरु दर्शन के लिए नहीं होता, दर्शन के लिए तो मंदिर बने हुए, गुरु होता है ज्ञान और अनुभव के। अगर गुरु ने आपको ज्ञान और अनुभव नहीं दिया तो ऐसे गुरुओं को मानना भी हम लोगों की बड़ी भारी गलती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग पढ़ते हैं, धर्म के बारे में पढ़ते हैं, गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ करके आप परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे। जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया उनके साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वो प्रश्न भी पूछते हैं उससे, तो आधा घंटा वो प्रश्न पूछते हैं जैसे कोई लेक्चर ही दे रहा है। प्रश्न पूछने से या उसका उत्तर पाने से क्या कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं। कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे हित में है, हमारे उन्नति के लिए। उत्क्रांति में आज जो हम मनुष्य स्वरूप है, अमीबा से आज हम मनुष्य स्वरूप गए, इससे ऊंची एक ही दशा है कि हम आत्मस्वरूप होना चाहिए, और जब तक हम वो आत्मस्वरूप रहते हैं हमें चैन नहीं आता। इसलिए कृपया आज आप सबके सामने विनती है कि आप ज्यादा वाद विवाद करते हुए कृपया अपनी कुंडलिनी को जागरण करें। इसके अलावा आपको अगर प्रश्न पूछना ही है, क्योंकि वो तो होता ही है, मैंने सुना कि कलकत्ते में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स है, सो कोई बात नहीं, मैं सबको जवाब दे सकती हूँ, तो आप ऐसे जो लोग हैं वो कृपया ये प्रश्न लिख करके दे दें। कल सवेरे, कल जब मैं यहाँ आऊंगी तो सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन प्रश्न में किसी तरह का आक्रमण होना नहीं चाहिए,
क्योंकि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो अपना है, वही हम लेने आए, आपसे कुछ लेने नहीं आए। इसलिए आपका अपना लेने में आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अगर हम कहें कि यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ है जो आपको प्रेम और मिल रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इसका मूल्य ही कोई दे नहीं सकता, तो क्या आप प्रश्न पूछेंगे? आप फौरन दौड़ कर ले लेंगे। इसी प्रकार आपके अंदर भी एक बड़ा भारी हीरा चमक रहा है, उसे आत्मा कहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने की कौन सी बात है, मेरे समझ में नहीं आती। तो अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न हो तो आप कृपया एक कागज पे रख करके और यहाँ दे दीजिएगा, मैं सबका उत्तर दे दूंगा। और मैं सोचती हूँ कि आज उचित होगा कि हम कुंडलिनी का ही जागरण करें और देखें कितने लोग इसे पाते हैं, और जो लोग आज नहीं भी पाए वो कल पा लें। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो सहयोग में आया और उसने नहीं पाया। लेकिन लड़ने झगड़ने की इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जहाँ आप लड़ झगड़ के कुछ पा लें, न तो इसमें तर्क वितर्क से हो, ये आपके अंदर बसी हुई शक्ति है जो जागरूक हो रही है। इसलिए नम्रता पूर्वक इसे स्वीकार करें और प्राप्त करें अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, जो अत्यंत गौरवान्वित बहुत ऊंचा दिव्य ऐसा। आपके अपने को अभी जाना नहीं, अपने को समझा नहीं, अभी तक आप मानते ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि आप मानव है और मानव सबसे ऊंची चीज है उस क्रांति में, उसे बस इतना ही प्राप्त करा। आज 40 देशों में सहयोग बना हुआ और विशेषता रशिया में बहुत जोर पकड़ गया। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में कोई भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब पहले लेनिनग्राद में मैं गई तो 2000 आदमी तो बाहर बैठे थे और 2000 हॉल में बैठे, और पता नहीं कहाँ से उन्होंने मार्श किया था। सब माँ माँ कह रहे थे, मेरा तो एकदम जी बैठ गया कि 2000 आदमी बाहर बैठे। अंदर गई, भाषण हुआ, सब के सब एक साथ पार। क्या कमाल के लोग, इतने गहरे लोग हैं। उन्होंने कभी धर्म नहीं सुना, कभी देवी का नाम नहीं सुना, कभी उनको भगवान का नाम नहीं मालूम। ये कैसे पार, इतने शुद्ध तबीयत के लोग जो खोज रहे हैं अंदर से सत्य। उसके बाद बाहर आई तो 2000 लोग बाहर बैठे, बड़ा दुख हुआ, फिर क्या करें। अरे माँ हमारा क्या हो? मैंने कहा अच्छा, कब तुम आओ इसी प्रांगण में बैठ करके हम तुम्हें पार करें। दूसरे दिन वो अंदर के भी 2000, बाहर के 2000 सफा, और इस तरह से लग गए। अभी भी मेरे पास खबर आ रही कि जल्दी आओ माँ, हम लोग सब भूत बैठे, जल्दी आओ। कहाँ कहाँ सहबेरिया तक सहयोग पहुंच गया, इतने जोरों में। वहां की गवर्नमेंट ने भी हमें रिकग्नाइज कर लिया, मेडिकल में, एजुकेशन में, हर चीज में। और वहां के मिनिस्टर्स तक हमसे मिलने आते हैं और प्रोग्राम में आकर सर्वसाधारण लोगों के साथ बैठ। उन लोगों में अहंकार बिल्कुल नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद इस तरह से ये कार्य हुआ है। आशा है यहाँ पर भी किसी प्रकार ये कार्य होगा। ये तो देवी का बड़ा भारी स्थान है और कलकत्ते से तो मुझे बहुत ज्यादा अपेक्षा है, बहुत ज्यादा अपेक्षा है, क्योंकि यहाँ के लोग गहरे हैं। उस गहरे पर को एक बार छू लेंगे तो जान लेंगे कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा व्यक्ति। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। मैं आपको बताऊंगी किससे कौन से चक्र पकड़े जाते हैं और कौन सी बीमारियां होती हैं। तो कृपया आप पूरी तरह से अपने को क्षमा करें। दूसरी बात यह है कि आपको सबको क्षमा करें, सबको क्षमा करें। मैं तो यहां से कहूंगी कि अंग्रेजों को क्षमा कर दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ 300 वर्ष अपने यहाँ राज्य सबको, यहाँ से वहां तक अब इतने अंग्रेज लोग सहयोगी हो गए कि वो वाकई क्षमा के योग्य है। इसी प्रकार अनेक तरह की आपत्तियां आई, हर तरह के हम लोगों पे आतंक हुए और अन्याय हुए हैं, ये सब चीजों को एक साथ आप क्षमा करें। अब आप लोग कहेंगे कि माँ क्षमा करना बड़ा मुश्किल, मैं कोशिश करता हूँ क्षमा करने की, इसमें कोई कोशिश की बात ही नहीं, क्योंकि आप क्षमा करें या ना करें कुछ नहीं करते आप। क्या करते हैं आप जब क्षमा नहीं करते? कुछ भी नहीं करते। तो एक मिथ्या बात है कि मैंने क्षमा नहीं करी, किंतु जब आप क्षमा नहीं करते तो आप अपने दिमाग में वही चीज लेकर के रात में अपने ही को छलते हैं और अपने ही को सताते हैं। जो आदमी जिसने आपको दुख दिया उसने इतना दुख नहीं दिया जितना आप अपने को हर समय दुख देते हैं जब आप उसे क्षमा नहीं। इसलिए एक साथ सबको क्षमा करते हैं
सबको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन किसने मुझे तकलीफ दी, किसने मुझे परेशान किया, किसने मुझे क्या कहा, कोई ऐसी जरूरत। सिर्फ एक साथ अपने मन से कहना कि मैंने सबको एक साथ जमा, बस ये दो आपके ऊपर मेरे शर्त हैं। ये दो शर्तों के बाद में एक ही और बात कहनी है कि हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि हम अब परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं, तो प्रसन्न चित्त होना चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर के और हमें बैठना चाहिए। सबके लिए एक माँ की विनती है, इस वक्त आप सब कुछ अपना भूल जाए और एक प्रसन्न चित्त होकर के बैठे, अपने प्रति प्रसन्नता, और ये कार्य जरूर संपन्न हो। अब जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे विनती की दोनों पैर अलग अलग कर, कल मैं आपको नाड़ियों के बारे में बताऊंगी जिससे आप जान जाएंगे कि कैसे लेफ्ट और राइट दो अपनी नाड़ियां हैं, ईरा और पिंगला नाड़ियां, और इससे ये दोनों अलग अलग नाड़ियां हैं। इनका एक दूसरों से इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि अभी कुंडलिनी का जागरण नहीं हुआ। तो लेफ्ट साइड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति की नाड़ी है और राइट साइड जो है क्रिया शक्ति की नाड़ी है। इसलिए दोनों पैर अलग अलग रखे, पर जो जमीन पे बैठ गए हैं तो उसको ये भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है कि वही सारा काम कर लेगी, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं। लेकिन सहजासन में बैठे, माने फैल के बैठे, आराम से बैठे, फैल आराम से। इसका ये भी मतलब नहीं कि आप झुक जाएं या पीछे में और बन जाए, बीच में सर्वसाधारण तरीके से जैसे बैठते हैं इस तरह से आप बैठे बिल्कुल सहज में। सहज का मतलब होता है, एक तो होता है सहज माने सह माने आपके साथ जन्मा हुआ, योग का अधिकार, लेकिन सहज और जैसे कि हम सुलभ सहज तरीके से बैठे इस तरह से। सबसे पहले आपको ये है ये दिखा देंगे कि कौन से चक्र को हम किस तरह से छुएंगे और खुद ही अपने चक्रों को हम कैसे प्लावित करेंगे। और जो लोग पैर में जूते पहन के बैठे वो कृपया जूते उतर उतार कर एक तरफ रखें, जूते एक तरफ रखें और दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें जो लोग कुर्सियों पर बैठे। अब लेफ्ट हैंड आप का मतलब ये है प्रतीक रूप से, लेफ्ट हैंड का मतलब ये है आप आगे, लेफ्ट हैंड का मतलब ये है कि आप पेन में इस तरह से ये आप इच्छा कर रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, ये प्रतीक है। इसलिए सब लोग लेफ्ट हैंड में लिए, सब लोग कृपया सब लोग ये कार्य करें, बहुत फायदे की चीज है और बहुत आनंद की चीज है। कृपया सब लोग लेफ्ट हैंड में जमा करें। अब राइट हैंड से हम अपने चक्रों को प्लावित करें, तो पहले राइट हैंड हम हृदय में रखें, हृदय में हमारा आत्मा का वास है, किंतु आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में, इसे कि हम तालु कहते हैं वहां पर। अब हमारा हाथ हम पहले हृदय पे, अब हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें, सारा काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करें, पेट के ऊपरी हिस्से में हम रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में। अब ये जो चक्र है ये गुरु तत्व का चक्र, जो महान गुरु सदगुरु संसार में हो गए उन्होंने ये हमारे लिए चक्र बनाया हुआ है। जिस वक्त ये चक्र जागृत हो जाता है तो हम स्वयं अपने ही गुरु हो जाते हैं, इसलिए गुरु तत्व का चक्र। अब अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और जोर से दबाएं। ये चक्र शुद्ध विद्या का है, शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिससे हम परमात्मा का जो कुछ नियम है उसे अपने हाथ में जानते हैं। जैसे कि हाथ में जैसे ही चैतन्य लहरियां आ जाती हैं और आपके अंदर से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है तो आप उंगलियों पर जान सकते हैं कि कौन सा चक्र पकड़ हुआ है। ये पांच उंगलियां छह और सात इस तरह से सात चक्रों को आप समझ सकते हैं। और शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिसमें आपके नस नस में इसकी अनुभूति आ जाए, ये शुद्ध विद्या है। ये दिमाग से जानी हुई, बुद्धि से जानी हुई विद्या नहीं, किंतु हमारे नस नस में छाई हुई विद्या है जो प्रगल्भ हो जाती है।
इसका मैनिफेस्टेशन होता है। अब इसी राइट हैंड को ऊपर की ओर, लेफ्ट हैंड साइड फिर से, और इस राइट हैंड को फिर आप उधर पे रखें। अब इस राइट हैंड साइड राइट हैंड आप उठा करके अपना कंधा और गर्दन इसके बीच में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। आप सामने हो गर्दन को राइट साइड में पूरी तरह से, ये चक्र तब पकड़ता है जब हम अपने को दोषी समझते हैं और अपने को सोचते हैं कि हम इम्यून हैं, तब इसलिए गांधी के बहुत ही खतरनाक चक्र है। इससे स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो सकती है, इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है, अनेक बीमारियां हो सकती है। अब इस हाथ को आप उठा करके और अपने कपाल पर, बहुत से लोग माथा भी कहते हैं, रखे और दोनों तरफ से उसे दबाए। अब गर्दन को नीचे ले और पूरी तरह से इसे जोर से दबाए दोनों साइड। यह आज्ञा का चक्र है, ये सबको क्षमा करने का चक्र है। अब इस हाथ को अपने सर के दूसरे हिस्से में लेना और यह आज्ञा का दूसरा उसी पंख भी है, इसमें आप अपना सर ऊपर की ओर उठाए, उन्नत करें और बगैर अपनी गलतियां गिने बगैर और किस ने हमें सताया ये जाने बगैर और सोचे बगैर आप एक साथ इतना ही कहें कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई अगर गलती हो गई हो तो तुम हमें क्षमा कर दो, लेकिन इसमें आप कोई दोष अपने ऊपर न रखें। अब इस हाथ को आप इस तरह से पूरा टांगने के बाद हथेली के बराबर बीचों बीच जो जगह है, ये संस्कार की जगह है, इसे आप अपने तालू पर, जो कि एक स्नेक घसी अभी थी बचपन में, उस पर रख करके सर को नीचे झुका लें, उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर खींच, इससे दबाव अच्छे से पड़े और अब आप इस अपने सर की चमड़ी को, जिसे पिस्काल कहते हैं, हाथ को नहीं, धीरे धीरे घड़ी के कांटे जैसे 7 बार घुमाए, क्योंकि अपने रिपीट एरिया में सर में 7 चक्रों के पीठ है, इसलिए इसे आप 7 मरतबा घुमाए। गर्दन झुका लें आसान जा, इतना ही बस करना है। अब आप लोगों को आंख बंद कर देनी है, चश्मे भी आप उतार लें, इससे दृष्टि भी ठीक हो जाती है और इसलिए आप कृपया चश्मे वगैरह उतार लें। अगर आपके गले में कोई माला या गंदे दोरे या कोई इस तरह की चीज हो या जिसे तावीज वगैरह करते हैं उसे निकाल लें, कमर में कोई चीज कस रही हो तो उसे आप हटा लें और जिससे कि आप इस तरह से बैठे, जिससे पूरी तरह से आप हल्के हल्के। अब कृपया सब लोग आंख बंद कर लें, लेकिन जब तक मैं न कहूं आप आंख न खोलें। कृपया सब लोग आंख बंद कर लें और अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखें, राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। अब से सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप 3 बार पूछे मन में, अपने मन में पूछे, जोर से नहीं। ये प्रश्न है, आप मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें, जो भी आप ठीक समझे, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप अपने अंदर 3 बार पूछे, ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसे कंप्यूटर से पूछते हैं ऐसा ही ये पूछना हुआ। अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के
ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखे और वहां दबा। यहाँ पर एक प्रश्न आप तीन बार मन में फिर से मुझे करें, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ, माँ क्या मैं अपना ही गुरु हूँ, ये प्रश्न आप तीन बार अपने मन में पूछे। अब आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या ला नहीं सकती, इसे आपको अपने स्वतंत्रता में और गौरव में ही मांगना होगा। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में दबाकर रखें लेफ्ट हैंड साइड पर। ये शुद्ध विद्या का चक्र है, इसकी छह पंखुड़ियां हैं। यहाँ पर छह बार आप कहिए, श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ऐसा आप छह बार कहिए, श्री माता जी आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहते ही साथ कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, उसमें हलचल शुरू हो गया, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। अंत में जब कुंडलिनी आपके ब्रह्मरंध्र को छेदेगी, तभी आपको चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी अपने ही सर से आती हुई नजर आएगी। तो आप को जान लेना चाहिए कि अब कुंडलिनी का जागरण हो रहा है, तो अपने ऊपर के चक्रों को भी हमें अपने आत्मविश्वास के साथ काबित करना है। इसलिए अब राइट हैंड को उठा करके आप अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें 10 बार आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी मैं अपना ही गुरु हूँ। इस तरह से आप 10 बार पूरा आत्मविश्वास के साथ। आपसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा शक्ति यह है कि आप आत्मा स्वरूप हैं। शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि भावनाएं सब कुछ जो है ये उपाधियां हैं, और ये आत्मा ये ऊपर छाए हुए बादल जैसे, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा स्वरूप। तो अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखो और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मरतबा आप कहे, हृदय के साथ कहे, श्री माता जी 12 मरतबा 12 बार आप कहे, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो आप अपने को क्षमा कर, ये परम चैतन्य ज्ञान और प्रेम का सागर, ये आनंद
और आशीर्वाद का सागर है, किंतु सबसे अधिक एक क्षमा का सागर, और इसकी क्षमा शक्ति इतनी जोरदार है कि आप कोई भी भूल करें, गलती करें, वो इसे अपने में समा सकता है। इसलिए आप कृपया कम से कम अपना न्याय न करते हुए अपने को क्षमा करें। और अपना हाथ अब कंधा और गर्दन के बीच में जो कोने उस पर रखे, जहाँ तक पीछे तक जा सकता हो, और अपनी गर्दन को राइट में मोड़। ये चक्र जो है ये अपने को क्षमा करने का है, इसलिए आप 16 मरतबा कहें कि माँ मैंने कोई दोष नहीं, माँ मैं पापी नहीं, मैं दोषी नहीं। इस तरह से आप 16 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं, 16 मरतबा आप कहें, गर्दन को मोड़ लें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें। और अब अपने राइट हैंड को आपको अपने माथे पर अपने कपाल पे रखना होगा और गर्दन को झुका लेना, दोनों तरफ से जब और यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चक्र बहुत ही संकीर्ण है, बहुत छोटा है, इसके अंदर से पुनर्जीता निकलना मुश्किल है। कृपया हृदय के साथ आप कहें, कितने बार की बात है, पूर्ण हृदय से कहें कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी, पूर्ण हृदय से बात करें। पीछे के हिस्से में रखे और उस पे सर उन्नत करके सर को झेल पूरी तरह से उन्नत करें। यहाँ पर आपको अपने समाधान के लिए सिर्फ परम चैतन्य से क्षमा मांगनी है, किंतु आपने कोई गलती की हुई हो, दोष किए हो या कुछ किया हो, वो जोड़ने की जरूरत है। सिर्फ हृदय से कि परम चैतन्य हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करें। अब अपनी हथेली को टाल और इस हथेली का बराबर बीच का हिस्सा है मध्य भाग को अपने धारों पर, जो कि बचपन में एक स्निग्ध सी लगी थी, उस पर रख करके और दबाए, अपनी उंगलियां बाहर की ओर और गर्दन को छुपा और छुपा करके और हाथ को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाए, जिससे कि आपके सर की जो स्कैल्प है, अपनी जो चमड़ी है, वो भी खूब जोर डाले, उंगलियां पीछे की ओर। और एक बात यहाँ कहनी है कि मैं आप पर कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, आपका मैं पूरी तरह से मान रखती हूँ, आपकी स्वतंत्रता का
इसलिए आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा, इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। तो हाथ घुमाते वक्त सात मतलब आप कहे, इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। उंगलियां बाहर की तरफ खींचे, उसके बगैर दबाव नहीं पड़ रहा। उंगलियां जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, उंगलियां बाहर की तरफ खींचे और हथेली पूरी सर में रखे, तब दबाई तब होगा पूरी तरह से। धीरे धीरे आंखें को मेरी ओर देखिए, ये विचारिता आप देख सकते हैं मेरी ओर, दोनों हाथ इस तरह से करें। आप शंका नहीं करें, बिल्कुल शंका करने की जरूरत है। आप देखिए आप के अपना राइट हैंड मेरे ओर है और लेफ्ट हैंड सर को झुका के और इसके ऊपर पर, यहाँ नहीं ऊपर इस तरह से, और देखें कि आप ही के सर में से ठंडी हवा आ रही थी, आप ही को सर्टिफिकेट दे रहा है, ठंडी ठंडी हवा आएगी, कभी कभी गर्म भी आ सकती है, कोई बात नहीं, आप सर झुका के लेफ्ट हैंड मेरी और सर झुका कर पूरी तरह से देखिए कि आपके राइट हैंड में आ रही है ठंडी हवा, लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड से देखिए, किसी किसी के बहुत दूर तक आती है ठंडी हवा है। अब राइट हैंड मेरी और अपने लेफ्ट हैंड से देखिए, सर झुका अच्छे से देखिए कि आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर करके आकाश की ओर कटक पीछे बोलते हैं और एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? पूछिए, इसमें से कोई सा भी सवाल तीन मरतबा पूछा, तीन मरतबा पूछिए। अब हाथ पूछे आप जिन लोगों के सामने से या हाथ से ठंडी हवा लगी हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर, ऐसे सब लोग जिनके हाथ में और सर में ठंडी हवा लगी। अब देखिए कि शंका करने की बात है, बहुतों पे लगी भी पर वो शंका कर रहे हैं, शंका की बात है। सबको मेरा रागा जय जयवंती। प्लीज पुट योर अटेंशन ऑन विशुद्धि चक्र, वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस बट कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमैटिक क्लासिकल रागा। लेट्स एंजॉय रागा जय जयवंती। Hey, hey, hey.
Thank you.
भगरे गामा पावा मार रे गामा पदा पामा रे ने ता पामा गरे गर ने सदा ने रे रे गामा पदे पामा गा Re ga ma pa da ni da, re ni da, ni da pa da ma ma. Re ga ma pa ma ga, re ga re, re ga ma pa re pa ma. Re ga re, re ga ma pa re ni da pa ma ga re ga ga re re ni sa. Magare ga ma pa pa da ma magare Magare ga ma pa da ma ma da ma magare Magare ga ma pa magare ga re sa 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 Magare ga ma pa ni Magare ga ma ba ni 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 ni
mama ba ga ga re re ga re ga ma ba ma ga re ga re ni 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 sa 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 ni 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 sa 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 ni sa re ga ma ba ma 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 pa ma 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 pa ma 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 pa ma ma pa ma ma da ba ma re ga ma ba ma 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 re ga ma ba ma 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 re pa ma re pa ma 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 pa ma pa ma pa ma ga re ga ma ba ma ga re sa re sa re re da re re da re re